हेलो नमस्ते, आप सभी को मेरे इस चैनल पे स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ ब्रेड की एक ऐसी सिंपल रेसिपी जो बनाने के लिए आपको सिर्फ 5 मिनट लगेंगे और खाने के लिए टेस्टी एंड हेल्दी भी होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस रेसिपी को। मैंने यहाँ पर 4 ब्राउन ब्रेड ले लिया है। आप चाहें तो कोई सा भी ब्रेड ले सकते हैं, आटा ब्रेड और मिल्क ब्रेड भी ले सकते हैं। अब यहाँ हम दो दो ब्रेड को एक साथ रखेंगे और इसको अच्छे से कट कर लेंगे। ऐसे कट कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर इसको क्यूब साइज में कट किया है। आपको जैसे पसंद है आप वैसे कट कर सकते हैं। तो इसी तरह से आपको चारों ब्रेड को ऐसे क्यूब में कट कर लेना है। अब हम ब्रेड के टुकड़ों को एक मिक्सिंग बोल में डाल देंगे। आराम से डालिएगा और उसमें 2 छोटी चम्मच बेसन भी डालेंगे। और मैंने, आप देख सकते हैं, मैंने पहले से सब्जियां काट के रखी है। इसमें सब्जियों को भी ज़रूरत है। तो पहले 2 छोटी चम्मच बेसन डाल देते हैं। उसके बाद मैंने कुछ बारीक कटी हुई सब्जियां ली हैं। आपको जो भी सब्जियां पसंद है आप अपने हिसाब से, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने 2 छोटी चम्मच बेसन ले लिया है। अभी मैंने बारीक कटी हुई जो सब्जियां रखी है उसको भी डाल देंगे। आप देख सकते हैं मुझे ये सब्जियां सब पसंद है तो मैं इसको डालूंगी। ग्रेटेड कैरेट लिया है मैंने, इसको काटा नहीं है क्योंकि ये मुंह में आएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। बारीक कटी हुई प्याज, बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, बारीक कटा हुआ टमाटो, सबको डाल देते हैं। अब आप देख सकते हैं ये कितना कलरफुल दिख रहा है। अब इसमें हम थोड़ा सा हरा धनिया भी डाल लेते हैं, टेस्ट को एनहांस करेगा। और आधा चम्मच नमक, आप स्वाद अनुसार नमक भी डाल सकते हैं। अब इसमें थोड़ा सा गरम मसाला भी डालेंगे, इसमें स्वाद बहुत बढ़िया हो जाएगा। मैं और एक चीज़ बताना भूल गई थी, ओरिगानो भी थोड़ा सा डालने से बहुत अच्छा लगेगा। थोड़ा सा ओरिगानो भी डाल दीजिए, ये ऑप्शनल है। अगर आपके पास ओरिगानो अवेलेबल है तो आप डाल दीजिए। अभी सभी चीज़ों को ब्रेड के साथ मिक्स कर लेते हैं। अभी हम सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, लेकिन ब्रेड के टुकड़ों को मैश नहीं करना है, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पे हम आधा कप पानी ले लेते हैं, लेकिन हम इसमें इकट्ठा पानी बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। 2-3 छोटे चम्मच पानी डालेंगे और उसी चम्मच से उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें क्या होगा, इसमें थोड़ा थोड़ा सारी चीज़ों में थोड़ा थोड़ा बाइंडिंग आ जाएगा। अब देख सकते हैं बाइंडिंग आ रहा है। फिर हम इसमें थोड़ा पानी डालेंगे, लेकिन एक साथ बिल्कुल भी नहीं डालना, ये चीज़ याद रखिए। इसमें पानी ज़्यादा हो जाएगा वो, इसके बाद मिक्स कर लेना है। आप देख रहे हैं बढ़िया सी बाइंडिंग आ रही है। आप देख सकते हैं इसमें कितनी अच्छी सी बाइंडिंग आ गई है। अब हमारा ये मिक्सर बनकर तैयार है, तो चलिए बनाते हैं इसको। यहाँ पे हमने एक पैन ले लिया है, पैन को गर्म होने के लिए रख दिया है। अब हम उसमें 1 छोटी चम्मच ऑयल लेंगे। जो ऑयल लिया है उसको अच्छे से गर्म होने देंगे। उसके बाद अच्छे से चारों तरफ फैला लेंगे, पैन के चारों तरफ फैला लेंगे। उसमें थोड़ा सा राई डालेंगे, थोड़ा
राई को स्पैचुला के मदद से थोड़ा ऐसा हिलाएंगे। अभी देखिए राई हो गया है, अभी इसमें वो जो ब्रेड का जो मिक्स बना के रखा था अभी उसको डालेंगे। अभी ब्रेड के मिक्स को उसमें डाल देते हैं। अभी उस स्पैचुला के मदद से उसको गोल शेप दे देते हैं, फैलाते हुए चारों तरफ फैलाते हुए गोल शेप दे देते हैं। देखिए कुछ इस तरीके से गोल शेप में कर लेते हैं, देखिए कितना कलरफुल दिख रहा है। अभी इसको 3 से 4 मिनट के लिए लिड ढक के पकने देंगे और पूरा धीमी आंच करके रखेंगे। 3 मिनट हो गए हैं, अभी लीड हटा के देखते हैं अच्छे से सिका है या नहीं। हमको एक साइड थोड़ा अच्छे से सेकना है, नीचे के साइड अच्छे से सिक गए हैं। इसको हम पलट देते हैं, एक प्लेट की मदद से पलटना है। प्लेट को ऐसे ऊपर रखेंगे और पलट देंगे। अभी उसी पैन में हमको थोड़ा सा ऑयल फिर से लेना है। ऑयल लेने के बाद वो दूसरे साइड को सेक लेना है। ये अब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2 मिनट में रेडी हो जाएगा। मैंने यहाँ पर चीज़ ले लिया है, आपको अगर चीज़ पसंद है तो आप ले सकते हैं, अब नहीं पसंद है तो मत लीजिए। इसको ढक के 1 से 2 मिनट के लिए धीमी आंच में पका लीजिए। उसके बाद आपका ब्रेड का घर में बना हुआ पिज़्ज़ा रेडी हो जाएगा। अभी आप देख सकते हैं चीज़ पूरा मेल्ट हो गया है, अभी ये हमारा बन के तैयार है। अभी हम इसको प्लेट में निकाल लेते हैं। तो देखिए हमने ब्रेड मिक्स को पूरा तैयार कर लिया है, मैंने उसमें से कट करके 2 पीस ले लिया है। सो ऐसी ही मज़ेदार रेसिपी जानने के लिए मेरे चैनल कोमल सी अमी टमी को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, ढेर सारा प्यार दीजिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।